Rabbim diyor ki हमारे आपके गुमान में भी नहीं हो सकता है कि कितनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर हो, ये हम आप सोच भी नहीं सकते। ये तो बड़ा कर्म है हमारे आकाओं का और खास तौर से साहिब सज्जादा का कि हम गुलामों पर सफर फरमाते भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें कम है। कुल शरीफ के बाद क्योंकि भैया को वापिस के लिए शरीफ जाना है और कल मदीने पाक में भी रुखसत होना है, तो इसलिए कुल की महफिल में सुनना नहीं लगेगा, एक जाएंगे एक रहेंगे। ये साजन सज्जादा का हुक्म भी है और हम लोगों की गुजारिश भी है कि ये अपनी नुमाइंदगी के तौर पर हुजूर हजरत सैयद अल्लामा असलम मियां साहब वामिकी को कुल शरीफ के लिए छोड़ के अपनी नुमाइंदगी के लिए छोड़ के जाना, तो इंशाल्लाह कुल शरीफ की महफिल में सैयद असलम मियां साहब को तशरीफ फरमा रखते हैं। और मजलिसे वाज हो या महफिले रंदाना हो, जिक्र तेरा हो तेरे महबूब का अफसाना हो। ऐ सफीपुर की सरजमीन जिसे बाज मुशायख ने मदीनतुल औलिया भी कहा है, हजरत मखदूम सफी की बरकतें आपने हर साल हासिल की हैं, लेकिन आज खानदाने सिलसिलाए चिश्त जो हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा अकरमुल्लाह सैफुल्लाह यदुल्लाह हजरत अली करमुल्लाह तआला वजह करीम से जुब्बाए चिश्त हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला तक पहुंचा और फिर वो सीना बसीना। अगर आप इजाजत दें तो एक शेर के साथ इसको बताइए। एक ही शम्मा से रोशन हुई लाखों शम्मे, एक ही शम्मा से रोशन हुई लाखों शम्मे, नूरे हक नूरे नबी सीना बसीना आया। अभी अभी साहिब सज्जादा ने फरमाया कि हजरत साहिब सज्जादा के लिए मदीने शरीफ जा रहे हैं, जाने वाले जाए, लेकिन इस महफिल में ये आवाज देते हुए हम इनसे कह रहे हैं कैसे फैलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यार, जिसकी समझ में आए वो इस मोहम्मद का कह रहे कैसे फैलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यार, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, उनके आशिक को अगर याद, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, तो मेरे अजीज दोस्तों खानकाह के वाबस्तगान सिलसिले के जिम्मेदार साथियों उसको होता है और होता रहेगा इंशाल्लाह सुबह कयामत तक खानकाही निजाम कोई भी नहीं रोक पाएगा, और खानकाही निजाम रुकेगा तो कयामत बर्पा हो जाएगी तो उस होगा। लेकिन आज की रात जो आपने गुजारी है किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं गुजारी है, ये दीवारें ये छत ये सीमा सब गवाह हो जाएंगे कि हमारे दरमियान में उस साहिब सज्जादा की आमद हुई है कि जब शेखुल शुयूख ज़ुहदुल अंबिया शहदादे सिदरतुल मुंतहा सरकार बाबा फरीद गंजे मसूद ने किसी को पाक पतन से कलिया भेजा और कहा जा मेरे साबिर की खैरियत लेके आ जा, मेरे साबिर के हालात लेके आ जा, तो जब वापस गया तो शेखुल शुयूख ज़ुहदुल अंबिया शहदादे सिदरतुल मुंतहा जानशीन कुतुबुल अख़्ताब कुतुब
को दीन बख्तियारे करती के जानशीन, जिनको उनके मुर्शिद आजम उनको दीन बख्तियारे करते ने फरमाया कि मैंने फरीद को मकामे सिदरतुल मुंतहा पर देखा है। वो फरीद जो इस मुकाम पर है के फरमाते हैं 40 साल फरीद ने वो किया जो अल्लाह की करती थी। 40 साल फरीद ने वो किया जो अल्लाह की मर्जी थी। अब अल्लाह वो करता है जो फरीद की मर्जी होता है। तो उस शाखे इस्लाम और मुस्लिमीन की दो शाखे बर्फ सभी में आई, एक सुल्तान और मशाइख महबूब इलाही जलील सरबख्श मौलाना निजामुद्दीन औलिया और दूसरी शाख बाबा साहब की ऐसी आई है जिसकी रौनक जिसकी चमक जिसकी दमक आज इस खानका में है। और इंशाल्लाह ये जान ले, ये तो जाना है, ये जाना है बलाए नूर तेरी आज का सरकादा जो तुम्हारे शहर से तुम्हारी बस्ती से सफीपुर से निकल के कदमे साबिरे पाक में जाएगा और कदमे साबिरे पाक से जब सब उठाएगा तो मदीने शरीफ जाएगा, मक्का मुकर्रमा जाएगा, सफा मरवा पे जाएगा, हरम की सरजमीन पर जाएगा, जिसके जवाब में ये अगर ख्याल आ गया कि मैं सफीपुर में आता तो तुम्हारा भी जवाब आ रहा है हमारा भी। जिसके अमामे के अंदर सिर्फ सिर्फ अधीशान अमाम में सजे हुए, इसी अमामे के अंदर हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मैदान है, इसी अमामे के अंदर हजरत शाह अब्दुल रहमान भी है, इसी अमामे के अंदर हजरत शाह सुल्तानी मंदिर भी है, इसी अमामे के जंगल के अंदर बाबा फरीद का भी कलम है। क्यों ये वो साबिर पाक है कि जब काबिल ने जाके बाबा साहब को बताया कि साबिर ने आपको सलाम कहा है, ये कोई आम बात नहीं है। एक सज्जादा ये कहे कि नजराना इन्हें पेश करो, ये तो इनकी बारात है, ये दूल्हा है, लेकिन जब दूल्हा का दूल्हा आता है ये सज्जादा नहीं, शोएब औलिया नहीं, हर हिंदुस्तान का साबिरे पाक का जानशीन जहां जहां पहुंचेगा इनको नजराना भी देगा और ये कहेगा मेरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। तो बाबा साहब से खादिम ने कहा कलिया से आने वाले की बात है, कलिया घर में कौन सा कलिया जिस सरजमीन पर मशायख उलमा औलिया गर्दन भी झुकाते जाते हैं, जुबाने भी बंद करते जाते हैं, तमाम शुयूख की बारगाहों में जाते तो हैं, लेकिन कलियर ऐसी बस्ती है जहाँ के लिए सैयदुल मशायख मेरे जद्दे आला वानिक में ने फरमाया नजब बगदाद तैबा के नजारे देखो आकर, नजब बगदाद तैबा के नजारे देखो आकर, शहे अजमेर का अंदाज है बाजारे साबिर में, जिन्हें चरकार हो अनमोल मोती फजले दावर पे चले जाए फरीदे शौक से बाजारे साबिर में। तो साबिरे पाक में चलते वक्त बाबा साहब से करवाया था
मेरे शेख को सजाते हैं। क्या कर रहे हो? बोलो अपने मदरसे से उठ, इश्क में कभी नहीं अब तो जाने का ना हो दफा किया जो हो सो हो। उस बाबा साहब ने पूछा, साबिर ने चलते वक्त क्या कहा था? तो कहा हुजूर आपको सलाम कहा था, इतना सुनना था कि मेरे शेख ने शुरू सुहागा बन दिया, शेख ने इस्लाम बन उसने भी बाबा फरीद जिनके मसलूक को कैसे तारी हो गई, हाल आ गया और फरमाया आप मैं शेख हो गया, इससे किसी का नाजमा किसी की मुकाबला नहीं होगा। ये वो है मौला करीम साबिर, दादा करीम साबिर, इनसे जो दुआ के लिए कहोगे इनकी शक्ल में तुम्हें क्या क्या जज्बे नजर आएंगे। बस इतना ही कहकर खामोश हो जाऊंगा। क्या तमाशा है कि खुद तमाशा बनना चाहता हूं मैं। क्या तमाशा है कि खुद तमाशा बनना चाहता हूं मैं, यार की तस्वीर का खाका बनना चाहता हूं मैं, यार की तस्वीर का। अल्लाह इंशाअल्लाह को जो आपके कल से आके खुशी खुशी आपको बरकतें दे रहे थे, इनका जाना हमारे लिए बाइस शर्म है, इनका आना हमारे लिए बाइस बरकत है। क्योंकि हाकिम जितनी देर रहेगा ना वो कह रहा मदानी आज मारा नहीं आया, अबे अब्बास की हिम्मत पीर की हिम्मत नहीं है मेरे के सामने चले जाए। ये पावर पाए हैं और जब जीरो पॉइंट ये वाले चलेंगे तो दुनिया से बिछड़ जाएंगे, और जब कोई पावर लिए बैठा होगा फरमाया यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर चुके हो, यतीम वो है जिसके पास इल्म और अदब नहीं। आप खबर दस्ते हो क्या बात नहीं बन रही, एक लमा को आ गए काफी, एक धंधे के लिए आ गए काफी है। क्यों? ये किसकी अंग्रेजे दूरे तेरे के भेजे ये मखदूम मखदूम सफी इब्ने सफी आका इब्ने आका साबिरे पाक के सज्जादे हैं, इनके साथ बड़ी पावर लगी हुई है, इनकी ताकत हम लोग नहीं समझ पाएंगे। हम तो बस ये कहेंगे हमारे घर पर कहां ये इज्जत थी, हुजूर तशरीफ लाए मेहरबानी है, अल्लाह ताला इनके आने से इनको सबको सलामत रखे, और जब ये तुम्हारे साथ हैं तो बरेली तुम्हारे साथ है। मैं बरेली शरीफ से आया हूँ तो तुम्हारी सुनियत भी मजबूत है, चिश्तियत भी मजबूत है, साधकों भी मजबूत है। अब ये कहते इनसे दुआ करा लो कि उनकी की निस्बत का ताज रखते हैं, इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मानस का इलाज रखते हैं। कह गए इस दौर के यजीद से हम उसे नहीं निजात रखते हैं। अब उस के मुताबिक और शरीफ की जो रस्म है उसका सब ज्यादा होता है, हम लोग